हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये 100% आता ही है एग्ज़ाम में। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगी कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी होता क्या है, फिर ये होता कैसे है, इनमें क्या डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, इनमें क्या एलोकेशन होता है रिसोर्सेज का। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, ये होता क्या है। तो सिंपल सी बात है, जैसे जो भी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिपोजिशन होता है गुड्स और सर्विसेज का, ये जो होते हैं हमारे बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी लाइफ में। तो जैसे कि हमारी इकोनॉमी है, इनमें क्या है, हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है क्योंकि जो रिसोर्सेज है उनकी कमी है स्कार्सिटी की वजह से। अब क्या है, हमारे इकोनॉमी में जो भी रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है, लेकिन गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी जो है वो भी लिमिटेड ही है। तो इस वजह से क्या होता है, जो भी हमारे स्कैर रिसोर्सेज है उनको डिसाइड करती है कि वो उन रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करें, मतलब कि कैसे। तो ये सारे जो डिसीजंस होते हैं ये हमारे क्या बच जाते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकॉनमी। अब मान लो कभी एग्ज़ाम में आ जाए कि लिखना क्या है, तो लिखने का तरीका अब मैं बताती हूँ आपको लिखना कैसे है। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिपोजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ लाइफ। कभी कभार ये पूछ दिया जाएगा MCQs में या फिर इन द ब्लैंक्स में कि कौन कौन से हमारे बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं, तो आप ये लिख देना। फिर इसके बाद है, इन द कोर्स ऑफ दीज एक्टिविटीज़ एवरी इकॉनमी हैज़ टू फेस स्कैर्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज। इन्हीं एक्टिविटीज़ की वजह से जो भी हमारे इकोनॉमी है इनमें स्कैर्सिटी होती है रिसोर्सेज की। सिंस द रिसोर्सेज ऑफ आवर इकॉनमी इज़ लिमिटेड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज जो है हमारी इकॉनमी में क्या है, लिमिटेड है, एंड द एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज आल्सो लिमिटेड, और गुड्स और सर्विसेज को बनाने की भी एबिलिटी जो है ये भी लिमिटेड ही है। तो बिकॉज ऑफ दिस स्कैर्सिटी एवरी सोसाइटी हैज़ टू डिसाइड हाउ टू एलोकेट एंड फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज द स्कैर रिसोर्सेज। तो वही इसी स्कैर्सिटी की वजह से जो भी हमारी सोसाइटी है या जो हमारी इकॉनमी है क्या करती है, डिसाइड करती है कि हम रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करें। तो ऑल दीज डिसीजंस टेक द फॉर्म ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकॉनमी। तो ये सारे जो भी डिसीजंस होते हैं ये किस फॉर्म में होते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम के फॉर्म में होते हैं। तो ऐसे ही जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकॉनमी है इसमें हमारे तीन चीज़ें आती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। इनमें से कोई एक आ जाता है तीन नंबर में, तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये चीज़ें पढ़नी है। जनरली मैं आपको बता देती हूँ कि इनमें बेसिकली होगा क्या, फिर इसके बाद हम एलैबोरेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे। जैसे कि पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, इट मींस क्या प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे प्रोड्यूस करें, फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए प्रोड्यूस करें। तो हम इन तीन चीज़ों में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। व्हाट टू प्रोड्यूस में होता क्या है, दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू विच टाइप ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इन विच क्वान्टिटी। इट मीन्स व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या होता है कि इसमें हम ये रेफर कर इस प्रॉब्लम में हम ये रेफर करते हैं कि किस टाइप के गुड्स को हम प्रोड्यूस करें और कितने क्वांटिटी में। इनके एग्जांपल्स में आ जाएंगे कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड। अब हम पढ़ते हैं कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड के बारे में। तो हम कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स को एज अ डिफरेंस के फॉर्म में हम पढ़ते हैं। तो जो हमारा कंज्यूमर गुड होता है वो क्या होता है, सिंपल से बात है, कंज्यूमर इट मीन्स कस्टमर्स। तो फिर क्या होता है, वो गुड्स जो डायरेक्टली क्या करता है, ह्यूमंस के वॉन्ट को सेटिस्फाई करता है, मतलब कि ह्यूमन जो है वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए जो भी गुड्स खरीदते हैं, फिर जो भी गुड्स को वो यूज़ करते हैं वो हमारा कंज्यूमर गुड्स होता है। जैसे कि ब्रेड एंड बटर हो गया, सिंपल सी बात है। ऐसे ही कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स का कैपिटल मीन्स होता है मशीनरी। तो इट मीन्स क्या होता है, वो गुड्स जिनका हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए फॉर सेवरल ईयर्स, और इनकी जो वैल्यू होती है क्या होती है, काफ़ी हाई होती है, मतलब एक्सपेंसिव होते हैं, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस में क्या होता है, इस प्रॉब्लम में हम ये देखते हैं कि हम किस टाइप की टेक्निक को यूज़ करें उस प्रोडक्शन के लिए। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारे टू टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होता है, एक होता है लेबर इंटेंसिव और एक होता है कैपिटल इंटेंसिव। तो अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में। तो जैसे कि अगर हम बात करें लेबर इंटेंसिव की, तो जो लेबर इंटेंसिव होता है इसमें क्या होता है, हमारे लेबर ज़्यादा होते हैं और जो कैपिटल होता है ये कम होता है। तो हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि व्हेन लेबर इज़ मोर देन कैपिटल देन इट इज़ सेट टू बी लेबर इंटेंसिव। सिमिलरली कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है, हमारा कैपिटल ज़्यादा होता है और लेबर जो होता है कम होता है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, व्हेन द कैपिटल इज़ मोर देन द लेबर
देन इट इज़ कॉल्ड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब हम पढ़ते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस के बारे में। तो इस प्रॉब्लम में क्या होता है, जनरली हम ये जो प्रॉब्लम होता है बेस्ड होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के बेस्ड पे, तो इसमें ये चीज़ मेन है। तो देखो क्या है, दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड सेलेक्शन ऑफ फाइनल यूज़ ऑफ फाइनल गुड्स। मतलब कि क्या होता है, इस प्रॉब्लम में जो भी हमारा इनकम होता है इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अमंग द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, फिर इसके बाद एंड सेलेक्शन ऑफ फाइनल यूज़ ऑफ फाइनल गुड्स, और मतलब कि जो भी हमें गुड लेना है तो उसके सेलेक्शन पे बेस्ड होता है। इसमें भी हमारे दो कैटेगरी होते हैं, पहला होता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सेकेंड वन इज़ फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में। तो हम बात करते हैं पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, हाउ नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब कि कैसे जो भी हमारा इनकम है, नेशनल इनकम है इकोनॉमी का, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करें अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, ये मेन वर्ड है। सिमिलरली अगर हम बात करें फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं नेशनल प्रोडक्ट का अमंग डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पॉइंट ऑफ नोटेड, यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल होगा और फंक्शनल में डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होगा, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और जैसे ये क्वेश्चन है ये तीन तीन नंबर में आते हैं, लाइक अगर आपका अगर फॉर होम टू प्रोड्यूस आ गया तो ये तीन नंबर का क्वेश्चन होगा, हाउ टू प्रोड्यूस या फिर व्हाट टू प्रोड्यूस, तो इनमें से कोई भी एक आता है लेकिन तीन नंबर में आता है, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, इनके टाइप्स हो गया, फिर इसके बाद इन ये होता क्या है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।